हाजी ने महफिल को मेरा आदाब। और जैसे भाई ने बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया था, मुझे भी एक पुराना शेर अपना याद आ गया कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और तुम्हारे सामने जो बैठा है उसे शायर चिराग कहते हैं। तो सारी हदें पार कर बैठा हूँ, सारी हदें पार कर बैठा हूँ, ये किस तरह की मोहब्बत कर बैठा हूँ। सारी हदें पार कर बैठा हूँ, ये किस तरह की मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी ट्रेन तो रात 9 बजे की है, मैं सुबह से स्टेशन पर बैठा हूँ। शुक्रिया। एक शेर और देखें कि चंद अशकों के साथ गुजर गई, खैर आखिरी मुलाकात गुजर गई। चंद अशकों के साथ गुजर गई, खैर आखिरी मुलाकात गुजर गई। मैं उसे छूना तो चाहता था, लेकिन उसे देखने में ही रात गुजर गई। मैं उसे चंद अशकों के साथ गुजर गई, खैर आखिरी मुलाकात गुजर गई। मैं उसे छूना तो चाहता था, लेकिन उसे देखने में ही रात गुजर गई। तो ये काफ़ी डीप शेर है, बहुत ही मतलब डिप्रेशन में लिखा हुआ शेर है। मैं नहीं था, दोस्त डिप्रेशन में था, तो उसको देख के लिखा था मैंने। उनके बाद उनकी तस्वीर को गले से लगा रहे हैं, अब जो बच गया है उसी से काम चला रहे हैं। उनके बाद उनकी तस्वीर को गले से लगा रहे हैं, अब जो बच गया है उसी से काम चला रहे हैं। उनकी शादी में इतना मुस्कुराए कि लोगों ने राज पूछा, हमने कह दिया कि अपना आखिरी दिन मना रहे हैं। तो एक शेर और देखें कि इश्क जो करता है कसम से खुश वो रहता नहीं, इश्क जो करता है कसम से खुश वो रहता नहीं। आजमाया है मैं ऐसे ही कुछ भी कहता नहीं, इश्क जो करता है कसम से खुश वो रहता नहीं। आजमाया है मैं ऐसे ही कुछ भी कहता नहीं, रोना आया जब डाकिये ने खत लौटा कर कहा, माफ करना अब उस घर में कोई रहता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और शेर देखें कि इम्तिहान इश्क का है और हमें कुछ नहीं आता। वाह वाह वाह। इम्तिहान इश्क का है और हमें कुछ नहीं आता, दिन रात पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आता। इम्तिहान इश्क का है और हमें कुछ नहीं आता, दिन रात पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करके आखिर क्या मिलेगा, मुझे दो शेर लिखने से ज़्यादा कुछ नहीं आता। बहुत शुक्रिया। कि ये एक शेर लिखा था, 19 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, उस रात को एक शेर लिखा था, मतलब 18 सितंबर को रात 12 बजे एक मैसेज आया था, तो एक शेर लिखना पड़ा मुझे मजबूरी में। तो शेर सुनना कि मुश्किल नहीं है बताना कौन कितना उदास लगता है। वाह वाह। चेहरे से मुस्कुराने वाला दिल से उदास लगता है। मुश्किल नहीं है बताना कौन कितना उदास लगता है, चेहरे से मुस्कुराने वाला दिल से उदास लगता है। उसका भी आता है मैसेज आज के दिन, बस इसलिए मुझको अपना जन्मदिन खास लगता है। कि किसी और को गले लगाना कैसे है, वो जानती है मुझे रुलाना कैसे है। किसी और को गले लगाना कैसे है, वो जानती है मुझे रुलाना कैसे है। याद करने के हजार तरीके जानते हैं हम, आप ये बताओ उसे भुलाना कैसे है। कुछ यूं रिश्तों को चलते रहने देता था। तो जितने लड़कियां किस किस ने मोहब्बत की है सच्चे वाली, सब ने की होगी, तो किस किस को ऐसा लगता है कि यार जो है ना मोहब्बत है उसमें पैसे चलते रहें तो बनी रहती है और नहीं चलते हैं तो ख़त्म हो जाती है। भाई को लगता है, और किसी को लगता है, डरो मत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच मतलब मेरा टाइम निकल जाएगा सोच के नहीं। चलो ये शेयर सुनना, मुझे क्या लगता है कि कुछ यूँ रिश्तों को चलते रहने देता था। वाह वाह। कुछ यूँ रिश्तों को चलते रहने देता था, खुद चुप रहकर मैं उसको कहने देता था। कुछ यूँ रिश्तों को चलते रहने देता था, खुद चुप रहकर मैं उसको कहने देता था। उसने मुझे छोड़ा इसलिए, कोई और था जो तोहफे महंगे देता था। एक शेर और देखें कि
किसी का हाथ थाम लूं तो छोड़ने की बात नहीं करूंगा। वाह वाह, उसने मेरे साथ जो किया मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। किसी का हाथ थाम लूं तो छोड़ने की बात नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ जो किया मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। जब मिले थे हम वक्त अगर लौटा दे वो रात, मैं रास्ता बदल लूंगा उससे मुलाकात नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है, फिर विदा लेता हूँ आपसे। कि वो वादे करता गया मेरे साथ सफ़र करता हुआ, मैं चलता गया उसकी बातों पर यकीन करता हुआ। वो जाते जाते कह गया कि जलने दो, मैं मुस्कुरा कर देख रहा था अपने घर को जलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।